अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू व्लॉग। तो जो आज की जो वीडियो है वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जैसे आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि सस्ती लहसों वाला बाज़ार, तो हाँ जी, सस्ती लहसों वाला बाज़ार जहाँ पे आपको होलसेल में सस्ती लहसें मिल जाती हैं। तो आपके साथ वो सारा जो है वो सारा प्रोसीजर जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी सबसे पहले जो है वो नाश्ता कर लेते हैं। हमारा नाश्ता जो है वो काफ़ी लेट होता है, 4 बज जाता है हमें नाश्ता करते करते, क्योंकि हम उठते ही लेट हैं। अच्छा, तो खैर अभी नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में जो है वो गर्मा गर्म पराठे और साथ में चाय और जो सालन वगैरह होता है, अंडे खाने तो अंडे खा लो, नहीं तो सालन खा लो, और चाय तो वो तो मस्ट ही है, चाय के बगैर तो नाश्ता ही नहीं होता। A few minutes later. अच्छा, तो नाश्ता वगैरह जो है वो हमने कर लिया, और मैंने जो जिनके साथ लेस मैच करनी थी ना, मैंने वो सारी शर्ट्स के पीस निकाल लिए हैं, और अब मैं इनकी सबकी पिक्चर्स लेके अपने पास रख लूँगी ताकि भूलूँ ना और आसानी रहे लेस मैच करने में। बाज़ार से हम जब कोई भी ऐसी शर्ट्स के साथ मैच करते हैं ना लेस, तो वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। अगर हमने शटल में भी लेनी हो ना तो वो भी काफ़ी महंगी पड़ जाती है, 25-30 रुपये गज़ तो शटल में वो देते हैं आम लेस जो उनसे यूज़ होती है। और अगर हमने थोड़ी फैंसी लेनी है तो वो तो उससे भी ज़्यादा महंगी मिलती है। लेकिन हमने जब भी मैं ज़्यादा ले के आ जाती हूँ तो वही लेस जो है वो एक तो स्टॉक में हो जाती है, और दूसरा ये कि वो जब मैं अनाबिया के कपड़े भी वगैरह सीती हूँ ना तो वो उसमें भी यूज़ हो जाती है, तो वो फिर बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी ज़्यादा कलर्स होते हैं तो वो मैच हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ मोची गेट से अंदर एंटर होते ही ना, यहाँ पे सीधा पहले आपको टॉयज़ मिलेंगे ढेर सारे, और आपका आगे जाने का दिल नहीं करेगा। अगर बच्चे साथ होंगे तो वो तो इधर ही रोक लेंगे आपको कि अपना आपका जौन सा सारा पैसा है ना वो तो इधर ही उड़ा दो। इसलिए हम बच्चे साथ ही नहीं लेकर नहीं आते, तो बच्चों को हम घर ही छोड़ के आते हैं, ताकि और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमने लेनी होती है वो हम खुद ही लेके चले जाते हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमारी आंखों को भी ठंडक मिल जाती है इतना कुछ देख के। और यहाँ पे बच्चों की चीज़ें भी काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको जो है ना हर चीज़ होलसेल में मिलेगी, हर चीज़ होलसेल में मिलेगी। ये जो बाज़ार में लोकल बाज़ार में जो उनसे शॉप्स होती है ना, वो सब जो है ना वो यहाँ से ही लेकर जाते हैं, और फिर वो उनको डबल ट्रिपल करके वो फिर आगे सेल करते हैं। तो वो सारा जो जाता है ना वो यहाँ से ही जाता है, शालमी से, मोची से, और लहसुन का बाज़ार इतना बड़ा ये बाज़ार है कि हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी होलसेल रेट पे। दूसरे शहरों से भी आते हैं लोग, यहाँ से लेके जाते हैं। और ये जो लहसुन के स्टॉल, लहसुन के ये जो बंडल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये शॉप्स के लिए हैं। अगर आपने इनमें से एक पीस या दो पीस लेने हैं ना तो वो भी आपको दे देते हैं, और ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। ये जो ये इस चौड़े वाली लेस बता रहे हैं ना, ये इन्होंने इसका एक पूरा जो है ना, ये इन्होंने 500 में बताया था एक कलर मिलेगा 500 में। ये जो नई लेस आ रही है ना, इसमें भी बहुत से कलर्स थे, बहुत से आर्टिकल्स थे, और कोई ये 1000 का पूरा ये बंडल था, कोई कलर 1200 का पूरा बंडल था, और कोई कलर जो है वो 1500 से 1800 की रेंज में कलर्स मिल रहे थे। मतलब लेस की चौड़ाई पे मैच करता है, लेस की क्वालिटी पे मैच करता है कि वो आपको किस तरह से एक जो है वो कलर आपको देंगे। और कलर में एक कलर में तकरीबन 10 से 12 गज़ लेस होती है, और वो इंतहाई सस्ती पड़ जाती है। अगर आपने 2 या 3 कमीज़ों में सीनी है, या अगर आप स्टॉक करना चाहते हैं बाद के लिए, या किसी बच्चे की कमीज़ पर लगाना चाहते हैं, तो ये इंतहाई सस्ता पड़ जाता है। हम तो ऐसे ही करते हैं, हम यहाँ से आके ले जाते हैं और अपना स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर जिस पे लगानी हो मैचिंग वगैरह करके तो वो फिर निकल आती हैं, तो वो फिर हमें फिर बाज़ार से वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये वाला ये जो बंडल है ये 350 में बता रहे थे, ये पूरा लेस का बंडल नहीं, एक कलर जो था, और ये जो पूरा बंडल पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये इन्होंने ये पूरा पैक ही देना था इन्होंने, ये जो दुकान के लिए लेने आते हैं ना उनके लिए पड़ा हुआ था। और ये वाला एक पीस ये निकाल के नहीं दे रहे थे, ये तकरीबन ये 5000 से 5500 तक का ये बंडल पूरा बता रहे थे, और इसमें 20 से 22 कलर्स थे। और यहाँ पे अभी जो है अभी हम थोड़ा सा अपना मैच कर रहे हैं, कलर्स जो हैं थोड़े से अपने मैच कर रहे हैं, अब मैचिंग वगैरह कर रहे हैं। और ये जो उनसे छोटी शटल की लेसें आपको अभी दिखाई हैं ना, ये ब्लैक और ये वाइट, और जो छोटी छोटी लेसें हैं भरी शटल की लेसें जो 25 से 30 रुपये गज़ की मार्केट में मिलती हैं, ये यहाँ पे ये आपको पूरा ये जो एक कलर है ना ये आपको 150 में मिलेगा। और इसमें जो है 10 से 12 गज़ लेस होती है, और इंतहाई सस्ती पड़ जाती है ये। मतलब बाज़ार से 150 में आपको
پانچ چھ گز ملے گی اور یہاں آپ کو 10 سے 12 گز مل جاتی ہے, تو یہ انتہائی سستی پڑ جاتی ہے. اس لیے ہم تو ادھر ہی آتے ہیں, مارکیٹ میں زیادہ جانے سے پرہیز کرتے ہیں. اگر کوئی زیادہ میچنگ کرنی ہو, یہاں سے بہت مہنگی مل رہی ہو نا, تو وہ پھر ہم زیادہ جو فینسی ہوتی ہے نا, وہ پھر ہم مارکیٹ سے ایسے تھوڑی سی کر کے لے لیتے ہیں. تو یہ انتہائی سستی پڑ جاتی ہے, اس لیے ادھر آتے ہیں. اور کلرز بھی بے تحاشا ہے, دیکھتے ہیں ہر کلر کو دل کرتا ہے کہ ہر کلر ہی لے لے بندہ, اور آنکھوں کو ایسے ٹھنڈک ملتی ہے نا ایسے کلرز دیکھ کے. اور بس آپ کبھی آئیں تو آپ کا تو دل ہی نہ کرے یہاں سے جانے کا. بس ادھر آنے کے لیے شرط اتنی ہے کہ آپ کے جیب میں پیسہ انت کا ہونا چاہیے, تاکہ آپ کا جو دل کرے نا آپ وہ لے لو. ابھی تو یہ لہسوں کی مارکیٹ میں ہم گھوم رہے ہیں. اگر آپ کا اپنا ایسا کوئی کام شروع کرنے کا موڈ ہے, تو یہ ہول سیل میں چیزیں اٹھانے کی سب سے اچھی جگہ ہے. اور باہر سے بھی لوگ, بہت سے لوگ آتے ہیں ہول سیل میں چیزیں اٹھاتے ہیں اور کمائی ڈبل کرتے ہیں. ہر قسم کی چیز, برتن ہول سیل پہ, جیولری ہول سیل پہ, اور الیکٹرانکس ہول سیل پہ, اور میک اپ وغیرہ ہر چیز ہول سیل پہ آپ کو مل جائے گی. تو یہ کچھ کلرس تھے جو میں نے میچ کرنے تھے, اور انتہائی آسانی کے ساتھ انتہائی سستے ریٹس پہ میچ ہو گئے تھے. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو, آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.